नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके पतले दुबले शरीर को हष्ट पुष्ट, सुडौल और वज़नदार बनाने का एक बहुत ही ताकतवर, बिल्कुल देसी, एक बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू उपाय लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है मेरे पास कि सर, हम लोगों ने बहुत सारी पौष्टिक चीज़ों को खाकर देख लिया, हम लोगों ने बाज़ार से बढ़कर एक प्रोटीन पाउडर्स खाकर देख लिया, हम खाना भी ठीक ठाक खाते हैं, लेकिन सर हमारा वज़न नहीं बढ़ पा रहा, हम पतले दुबले लगते हैं। दोस्तों, वज़न कम होने से हमारे शरीर के ऊपर अच्छे से अच्छे कपड़े, महंगे से महंगे कपड़े भी अच्छे नहीं लगते, हमारा चेहरा भी पतला लगता है, आंखें धसी होती हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताऊंगा दोस्तों, जो आपके शरीर को बहुत ही ताकत देगा, आपके पतले दुबले गालों को भरेगा, आपकी धसी आंखों को ठीक करेगा, आपके चेहरे को खूबसूरत, गोल मटोल और आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और फौलादी बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन घरेलू उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और जो चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल नेचुरल है, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी और बिना किसी डर के आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए सीधे नुस्खा में शुरू करता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश की, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबा लें दोस्तों, ताकि आप लोगों को इस तरह की जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, इस नुस्खे में सबसे पहले दोस्तों आप एक दूध, एक बाउल दूध ले लें, दूध उबला हुआ हो लेकिन ठंडा हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप आधा अंजीर लें, जिनका पाचन शक्ति बहुत स्ट्रांग है वो पूरा अंजीर लें, और जिनको लगता है कि उनकी पाचन शक्ति उतनी मजबूत नहीं है, जिनका पेट खराब होते रहता है, तो वो सिर्फ आधा अंजीर लें, ठीक है दोस्तों, आप इसमें डाल दें। इसके बाद दोस्तों, आप एक काजू और एक बादाम, आप ये सोचते होंगे दोस्तों कि मैं इतने कम क्वांटिटी क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत गरिष्ठ होती हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन खाना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसे रोज़ रोज़ खाएंगे, ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे, तो आपका हाजमा ढीला पड़ सकता है। तो चूँकि हमें इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, तो इसे कम खाएं। जिनका हाजमा अच्छा है वो दो ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप सिर्फ एक लें। दोस्तों, कम खाना, संयम के साथ खाना और लंबे समय तक खाना, फ़ायदा इसी से मिलता है, जल्दी से कुछ नहीं मिलता। तो आप एक काजू और एक बादाम लें, अगर आप चाहें, अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप दो ले सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों एक एक बातों को मेरी, क्योंकि डाइजेस्ट होना, जो हम चीज़ें लेते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करना ज़रूरी होता है। नुस्खे, प्रोटीन पाउडर्स क्यों लोगों को फ़ायदा नहीं हो पाता, क्योंकि वो उनको हजम नहीं कर पाते, किस तरीके से खाना है, कितना खाना है, ताकि वो हजम हो। अगर हजम होगा दोस्तों, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, आप क्या करें, आप 7 से 8 किशमिश दूध में डाल दें। उसके बाद दोस्तों, आप 4 काली किशमिश, ठीक है दोस्तों, काली किशमिश, यह बहुत पौष्टिक होती है, बहुत ताकतवर होती है, 4 काली किशमिश भी आप दूध में डाल दें। और उसके बाद दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ये इसे जानते हो आप लोग, शायद जानते ही होगे, इसे पिस्ता बादाम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लगभग 2 जो है इस पिस्ते बादाम को छिलका उतार कर, आप ये तो टूट गया, ठीक है कोई नहीं, आप जो है 2 पिस्ता बादाम भी इस दूध में डाल दें। अब आपको सेवन कैसे करना है दोस्तों, इसे डालकर आप लोग, पहली बात, आपको दिन में सिर्फ एक बार इसका सेवन करना है, और इसको डालने के बाद 1 घंटे तक आप दूध को छोड़ दें। ये देखिए, किशमिश थोड़ी थोड़ी फूलनी स्टार्ट हो गई है, आप इसे 1 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दें। 1 घंटे के बाद ये सब चीज़ें जब फूल जाएंगे, तो इनको निकाल कर आप पहले चबा चबा कर खाएँ, फिर
फिर ऊपर से इस दूध को पी लें। दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करें, आज से ही शुरू करें और कंटिन्यू खाएं दोस्तों, आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा।